Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स. होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ. सो आज बन रहे हैं मॉर्निंग में गोभी के पराठे. तो बस मैंने यहाँ पे ले लिए है गोभी, उसको क्रश कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद उसमें डाल दिया है स्प्रिंग अनियंस, हरी मिर्ची, धनिया और हरा धनिया जो कि थोड़ा सा पीला लग रहा है, ख़राब होने से पहले मैंने सोचा यूज़ कर लिया जाए. और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन. अगर आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बना के देखिएगा. थोड़ा बहुत ना ये मोमोज़ को रिजेंबल करता है. Hey guys, welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your life. So, आज का दिन देखिए बहुत ठंडा हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है. यहाँ पे तो धूप नहीं निकल रही. आप लोग बताइए आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है. यहाँ पे भी 10:15 हो चुके हैं लेकिन कोई धूप का नामो निशान एक छोटा सा भी नहीं है, मतलब कि धूप निकलेगी. और बस अभी आज संडे है तो अब थोड़ा लेट ही हुए फिर सारे कि चलो ठीक है आराम से उठते हैं, इसलिए मैं भी आराम से उठी हूँ आज. आज मैं जल्दी नहीं उठी हूँ बिल्कुल भी. और बस अभी बन रहे हैं. बस हाँ ये कि मैं इन लोगों से पहले रेडी हो गई. ये दोनों बिल्कुल नहीं रेडी हुए अभी तक, बेड पे हैं ये दोनों. आदेश थोड़ा सा उठ के इधर उधर घूम रहा है लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा वगैरह कर ली है. तो बस अभी यहाँ पे गोभी का बैटर, जो गोभी का मिक्सचर बना लिया है. गोभी के पराठे बनेंगे. संडे है, सब आराम आराम से मतलब खाएंगे, साथ में बनाते हैं चाय गर्मा गर्म. तो बस अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ. फिर उसके बाद आज घर ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जानी है. बहुत टाइम हो गया ग्रॉसरी नहीं डलवाई है. ऐसी ना ठंड में जाने का मन नहीं कर रहा था और को भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने ना मतलब जो सामान है थोड़ा बहुत ऐसे ही ले आ रहे थे बीच में. तो अभी बस ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जाना है. आज तो वक्त जाना पड़ेगा. मुझे ना बहुत सारे काम है लेकिन जा नहीं पा रही हूँ. तो वैसे हमें चाय रोहित ने एक बार मतलब आज हमने पी ली है चाय एक बार. हम लोग पीते नहीं वैसे, बट आज पी ली है चाय भी. और बस अभी मैं चाय ही रख रही हूँ. अरे आपने चाय पी, चाय पिएगा. मस्त अदरक वाली चाय बनाएंगे. तो पानी मैंने रख दिया है. ही ऑल, तो बस ब्रेकफास्ट डन हो गया था. बहुत देर हो गई अब तो, मतलब 1:30 बजने को आया है. और अब मैं ना यहाँ पे बेड पे बैठी हुई थी और ठंड बहुत लग रही है, लेकिन अब फाइनली ना थोड़ी सी धूप दिख रही है बाहर. आपको भी मेरे फेस पे दिख रहा होगा, फाइनली ना थोड़ी सी धूप दिख रही है. बस ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ से बस. और जैसी धूप लगी ना, और रोहित और आदि चले गए ऊपर पतंग उड़ाने के लिए और मैं हूँ यहाँ पे. तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि 1:30 बज गया है, कितनी देर बेड पे बैठी रहूँगी. एक बारी बेड पे मतलब ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता है. तो वही हुआ है आज. तो यार कितनी धूप निकली यार, अंदर तो पता ही नहीं चलता है. सीरियसली अच्छी धूप निकली है. तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़े बहुत कपड़े पहले वो डाल देते हैं ऊपर और देन उसके बाद चलते हैं. जैसे टॉवल वगैरह गीले ही पड़े हैं तो इनको डाल आती हूँ. अच्छी धूप लग जाएगी एक बार तो सूख जाएंगे. और फिर बाकी के कपड़े तो आज मैंने धोए नहीं इसीलिए, बिकॉज जो भी परसों के धोए हैं ना वही नहीं ढंग से सूखे हैं क्योंकि धूप नहीं थी. और ये उड़ा रहे हैं यहाँ पे पतंग. और इनकी पतंग कहाँ पहुँची है? वो काफ़ी अच्छी पहुँच गई है ना ऊपर है, नज़र तो आ नहीं रही यार मुझे इस. हाँ ये रही, ये छोटू सी नज़र आ रही होगी आप लोगों को. इतनी ऊँची उड़ा दी आदि ने. वाओ आदि, सब अपने अपने लेंटर पे ना पतंग उड़ा रहे हैं. धूप निकलाई अच्छी.
मज़ा आ रहा है अब, बट इतनी तेज़ नहीं है, बट स्टिल दो दिन से तो बिल्कुल धूप नहीं थी तो उससे तो बेटर है, इसलिए अच्छा लग रहा है। उसके बाद बस मैं आ गई नीचे और आके थोड़ा सा सामान लेके आए थे ना, तो उसको मैंने सोचा चलो रख देते हैं अंदर, तो पपीता भी काट के रख दिया और मशरूम को भी ना इस तरह से अगर हम रख दें तो एटलीस्ट 3-4 दिन जो है वो निकल जाते हैं फ्रिज में, नहीं तो अदरवाइज़ इसमें पैकेट में ही ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर आने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। एंड देन मैंने सोचा चलो आज लंच भी प्रिपेयर कर ही लिया जाए, अब टाइम हो गया है इतना ज़्यादा। मसाला ख़त्म हो गया तो मैं सोच रही हूँ मिक्सी निकाली, तो ये अपना जार निकाला जो है लगे, हाँ ये भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा धनिया का मसाला पाउडर बना लेते हैं। पाउडर मसाला पीसने के लिए ना बहुत अच्छा है ये, और मेरा ये है ग्लेन का एक्टिव ब्लेंडर, एक तो पोर्टेबल है और जल्दी से निकाल लो कोई, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा इसका ना फ़ायदा यही लगता है कि जब दिल करता है तब निकाल के बना लो। इवन इसको आदिश भी जो है वो हैंडल कर लेता है, कुछ शेक्स बनाने हो, स्मूदीज बनानी हो तो वो अपने आप बना लेता है, तो इसलिए ये अच्छा है। डालती हूँ ना मटर पनीर में, तो मैं उसमें क्या करती हूँ उसको सीधा ही डाल देती हूँ, लेकिन आज रोहित बोल रहे थे कि ना उसको फ्राई करके थोड़ा सा मतलब फिर डालना, तो बस मैं पहले ना मटर डाल के मसाले में और उसको मटर को मतलब स्टीम दिलवा लूँगी एंड देन उस पर फ्राई करके फिर डालूँगी उसके बाद उसमें पनीर, तो आज फ्राई करके डाल देते हैं कोई बात नहीं। तो बस मैंने अभी मटर छीन लिए है ये और धो लिया इनको अच्छे से, और बस अब इनको मैंने इसीलिए मटर पनीर बना दिया आज, एक्चुअली ना बहुत दिन हो गए थे इनको पड़े हुए और अब ये सूखने को आ रहे थे, तो मुझे लगा कि यार बना ही देते हैं नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे पड़े पड़े, तो यही बना देते हैं आज। बस अभी आधी जो है डोर लेके आया और इसमें देखो ये भी स्टाइल की आ गई आजकल, इसमें शीशे लगे हुए हैं, कितना सुंदर सजाया हुआ है इसको भी। तो बस और साथ में काइट्स लेके आया, वाह वाह, देखो इनको कितने दिनों बाद खीरा खाने को मिला है, ये यहीं पे खाना शुरू हो गया, चलो लेके चलो खाना, खीरा ही खाना है, खाना नहीं खाना, खाना खाना है, चलो 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 भूख लगी, चम्मच ले यार, भूख लगी भूख लगी, चलो चलो चलो। और फिर उसके बाद हम चले गए लेंटर पे और हमने यहाँ पे झंडा जो है वो लगाया, सबने राम नाम का झंडा जो है वो लगाया हुआ था। चल पड़े हैं फिलहाल फाइनली वो ग्रॉसरी शॉपिंग करने और बस अभी चल रहे हैं, ठंड बहुत है, नाक लाल लाल हो गई है। ये रही रोहित, आदि पीछे बैठा है, गायब है, कहाँ है, हेलो। तो बस अभी फाइनली बन गया प्रोग्राम के चलते, और सबने ना लाइट्स लगाई हुई है यहाँ पे, आज संडे था यहाँ पे मार्केट बंद होती है तो इसलिए कुछ ज़्यादा रौनक दिख नहीं रही है, खाली खाली सा लग रहा है, बंद है शॉप्स की, संडे को यहाँ पे बंद होती है मार्केट। पहुँच गए हम, ये रहे कुछ आइटम्स बैक करने, चलो आगे आगे आदि ये छोड़ के चले गए देखो। अरे हमें ना वो काम चाहिए था,
तो बस जी हो गई ग्रॉसरी शॉपिंग और बस अभी चलते हैं यार। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में, और सीरियसली अच्छा लग रहा है। तो पापा गाड़ी ऊपर ही ले आएंगे, रुक। हे ऑल गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और बाहर मौसम बहुत ख़तरनाक वाला है यहाँ तो बना हुआ। और आज सब लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कॉलोनी में भी लाइव अभी दिखाएंगे वो रामलला जी का दर्शन, मतलब जो भी उनका वो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके सब जो है वो लाइव चलेगा, स्क्रीन लग गई है। और शाम को फिर कीर्तन वगैरह होगा, वहाँ पर जाएंगे हम लोग। और बस अभी मौसम ऐसा है ना, 10-11 बज रहे हैं, मतलब 11 बज गए, लेकिन चेक आउट द वेदर। खाती हूँ थोड़ा सा बाहर से, लाइक इतना ज़्यादा वो रखा है, कूड़े वाला आ गया, कूड़ा देख आते हैं भाई। बहुत हवा चल रही है और इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है यार, बीमार ना हो जाऊँ। तो मैंने ना सुबह, वैसे मैं ड्रायर करती नहीं हूँ हेयर ड्रायर, बट जिस दिन बाल धोए हूँ उस दिन आजकल सर्दियों में करना पड़ रहा है। एक तो मैं वैसे ही कम धो रही हूँ, लेकिन अगर नहीं कर रही हूँ ना तो मेरा पूरा दिन ऐसा जा रहा है ना कि स्पॉन्डिलाइटिस की पेन हो जा रही है मुझे बहुत ज़्यादा वाली, तो इसलिए वो करना ही पड़ रहा है। और आज आदिश ने बोला था, कल से बोल रहा है, सुबह उठते भी बोला था चटनी बनाई। एक्चुअली वो एक उसने कोई रेसिपी देखी है सैंडविच की, आलू वाले जो है ना वो फिलिंग भर के और उसके ऊपर चटनी लगा के, तो वो उसने देखी है, तो उसको हो रहा है कि मेरे लिए आज वो बनाएंगे। तो बस सुबह उठते ही बोला था अपनी चटनी बना दी, मैंने नहीं बनाई है भाई, तो आलू मैंने बॉयल कर दिए थे, छिले आधी नहीं है, उसी ने हेल्प करवाया है। बस अभी ना चटनी बनाती हूँ मैं जल्दी से पहले, एंड देन फिर उसके बाद सैंडविच बनाते हैं। तो इसकी फुल रेसिपी जो है वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और बहुत यम्मी बने थे, सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ना मिस नहीं करना चाहते, इसलिए भाग रहे हैं जल्दी से। रोहित मुझे आवाज़ें मारे और रोहित भी लगे हुए हैं यहाँ पे कैप्चर करने मोमेंट को। खीर चखाने रख दी है, शाम को भोग लगाएंगे खीर का। और अभी जाना है हमने थोड़ी देर में, 4 बजे यहाँ पे शुरू होना है सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद कीर्तन है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे, कीर्तन वगैरह करेंगे, उसके बाद घर आएंगे। और लंच तो हमारा कुछ प्लान नहीं है, बिकॉज क्या था कि बहुत लेट हमने ब्रेकफास्ट किया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 12:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। और बस अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े ना जो ऊपर कल के सुखाए वो अभी फोल्ड करके अंदर रखे हैं सारे। हम भगवान की कविता के करके गाए गाए राम राम।
सो बस उसके बाद हम घर आ गए और घर आके अपने घर पे भी पूजा वगैरह की, भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद दिए वगैरह जगाए और ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। और उसके बाद हमने थोड़ा सा पटाखे चलाए और बस आज का वीडियो यहीं मैं एंड करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय।